दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर सीपीयू शेड्यूलिंग चैप्टर. अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग. बेसिकली इन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग व्हाट हैपेंस, प्रोसेसेस आर परमानेंटली असाइन टू द क्यू व्हेन दे एंटर द सिस्टम. सो व्हाट वी हैव अज्यूम्ड दैट देयर आर सेपरेट क्यूज फॉर फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस. And the processes can never move among the queues. Each queue is having its own scheduling algorithm, and there is also scheduling algorithm between the queues. The setup has an advantage of low CPU scheduling overhead. Means what? There is no preemption, there is no context switch, so there is no overhead. But the problem what is that once a process is allocated to the queue, it can never change the queue. Even if the priority of the process is more, it cannot leave the queue so that it can move further. ये problem हो सकती है. तो अब यहाँ पर क्या करना है, एक और type का scheduling algorithm introduce हुआ and that scheduling algorithm is called multi-level feedback queue scheduling. What happens in this? There is no restriction among the processes that they cannot leave the queue. Processes queue ko chhodke dusre queue mein ja sakte hain in multi-level feedback queue scheduling. Yahan par processes ko divide kaise kiya gaya hai in this multi-level feedback queue scheduling? CPU ke burst ke upar. So if a process which is using too much of CPU time, it will move to the lower priority queue. यहाँ पर concept आपको simple रखना है कि processes का division किस basis पे हो रहा है, कितना time वो CPU के पास लेने वाले हैं. तो जो CPU के पास कम time लेने वाला है वो process की priority ज़्यादा होगी, और जो process CPU के पास ज़्यादा time लेने वाला है उस process की priority कम होगी. तो अगर प्रोसेस सीपीयू के पास जाता है, एक्सीक्यूशन स्टार्ट करता है, लेकिन उसने जितना टाइम बोला था उतने टाइम में उसने अपना एक्सीक्यूशन कंप्लीट नहीं किया, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस शेड्यूलिंग के अंदर, वो प्रोसेस को डिमोट करके दूसरे क्यू में डाल सकते हैं. और अगर ऐसा है कि एक प्रोसेस जब सिस्टम में एंटर हुआ है और उसको ऐसा लगता है प्रोसेस को कि उसको बहुत सारा सीपीयू का टाइम चाहिए और वो लोअर प्रायोरिटी वाले क्यू के अंदर एंटर हो गया, लेकिन जैसे उसने एक बार अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तो उसको ऐसा लगता है कि ओके मैं अब कम टाइम में एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ वो प्रोसेस को, तो अब यहाँ क्या हो सकता है कि उस प्रोसेस को हम प्रमोट कर सकते हैं, दूसरे क्यू के अंदर सेंड कर सकते हैं जहाँ प्रायोरिटी ज़्यादा है. और यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है कि एक प्रोसेस कम प्रायोरिटी वाला है तो वो हमेशा पीछे ही क्यू में नहीं रह जाएगा, उसकी हम प्रायोरिटी धीरे 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 इंक्रीज करते जाएंगे. प्रायोरिटी को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजिंग. तो प्रोसेस को हम स्टार्वेशन से बचा सकते हैं. स्टार्वेशन का मतलब क्या है, अ प्रोसेस विच इज वेटिंग फॉर द सीपीयू बट इज नॉट एबल टू गेट द सीपीयू, सो दैट फेज इज कॉल्ड स्टार्वेशन. तो हम स्टार्वेशन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, एक लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को थोड़ी थोड़ी प्रायोरिटी इंक्रीमेंट करके, उसकी एजिंग करके हम प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ा सकते हैं. सो यहाँ एग्जांपल क्या है, हमने तीन क्यू डिफाइन कर दिए हैं, क्यू जीरो से लेके क्यू टू तक. क्यू जीरो के अंदर जो प्रोसेसेस का टाइम क्वांटम 8 है उनको रखा जाएगा, और क्यू वन के अंदर क्या है, जो प्रोसेसेस लेने वाले हैं 16 टाइम क्वांटम एंड उससे ज़्यादा जो टाइम क्वांटम्स लेने वाले हैं वो कहाँ पर जाएंगे, लास्ट क्यू टू के अंदर. क्यू जीरो एंड क्यू वन वर्क करेंगे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के थ्रू, एंड लास्ट वाला क्यू वर्क करने वाला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से. So the scheduler will execute all the processes which are in Q0, then it will execute all the processes in Q1, and finally it will execute the processes which are in Q2. Means higher priority वाले कौन से processes हैं जिनने time कम लिया है, सिर्फ 8 milliseconds लिए हैं. A process that arrives for Q1 will preempt a process in Q2.
अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर एक प्रोसेस Q1 में अराइव होता है, नया प्रोसेस एंटर होता है Q1 में, तो अगर Q2 के अंदर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है तो उसको प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी कौन से वाले प्रोसेस की है, Q1 वाले के अंदर है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट, Q0 के प्रोसेसेस पहले एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद Q1 के एग्जीक्यूट होंगे एंड फाइनली Q2 के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर Q0 के अंदर कोई नया प्रोसेस आया है और Q1 का प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो कौन सा वाला प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाएगा? Q1 वाला प्रीएम्प्ट हो जाएगा। सो बेसिकली द शेड्यूलिंग इज डन इन दिस फैशन, अ प्रोसेस एंटरिंग द रेडी क्यू इज पुट इन द Q0। यानी Q0 का मतलब क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर ले रहा है वो, और 8 मिलीसेकंड्स में उसको कंप्लीट करना है। लेकिन अगर उसने 8 मिलीसेकंड्स में अपना काम प्रोसेसिंग का ख़त्म नहीं किया, तो उसको हम डिमोट करके कहाँ डाल देंगे, Q1 में डाल देंगे। इफ़ Q0 इज एम्प्टी, द प्रोसेस एट द हेड ऑफ द Q1 इज गिवन द टाइम क्वांटम ऑफ 16 मिलीसेकंड्स। इफ़ इट डज नॉट कम्प्लीट, इट इज़ प्रीएम्प्टेड एंड पुट इनटू Q2। ये फैशन हमेशा चलता रहेगा कि अगर प्रोसेस ने अपना टाइम कंप्लीट नहीं किया, अपना प्रोसेसिंग उस टाइम स्लॉट में नहीं कंप्लीट किया, तो उसको डिमोट करके दूसरे क्यू के अंदर डाल देंगे। एंड व्हाट आर द क्राइटेरियाज जिससे हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग बना सकते हैं? नंबर ऑफ क्यूज, कितने क्यूज रखे जाएंगे, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फॉर ईच क्यू, मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस और डिग्रेड अ प्रोसेस, एंड मेथड यूज टू डिटरमाइन विच क्यू अ प्रोसेस विल एंटर व्हेन दैट प्रोसेस नीड्स टू सर्विस। जब प्रोसेस का टर्न आएगा तो कौन से मेथड से उसको डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन से क्यू के अंदर उसको रखना है। So basically the main difference between multi-level queue scheduling and multi-level feedback queue scheduling is that processes in multi-level queue scheduling are never changing the queues, that is they are never migrating among the queues, but in multi-level feedback queue scheduling the processes are allowed to migrate between the queues. So this is all for your CPU scheduling algorithm. Thank you.